एमएसएमई जिला दुर्ग के अध्यक्ष के झा ने उद्योगों पर वेट के लंबित मामलों को समाप्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि वेट के समाप्त होने से उद्योगों एवं व्यापारियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। एमएसएमई जिला दुर्ग के अध्यक्ष के झा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर बताया है कि जीएसटी लागू होने के पहले से पूरे प्रदेश के उद्योगों के वेट के कुछ मामले रह गए थे जो कोरोना काल के पूर्व के हैं। इनके अधिकांश कागज पुराने हो चुके हैं, गुम हो चुके हैं या इधर उधर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में संबंधित विभाग को दिसंबर 2021 में वे पत्र लिखकर अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। इस संबंध में के झा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जी भैया, आज हम इस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं कि प्रदेश के तमाम उद्योग एमएसएमई और व्यापारी वर्ग किसी भी तरह कोरोना से उभर करके अभी सामने आए हुए हैं। चाहे एमएसएमई उद्योग हो, चाहे बृहद उद्योग हो, या प्रदेश के बड़े तादाद में व्यापारी वर्ग, आज इनके सामने एक संकट छा गया है कि जीएसटी जो 1 जुलाई 2017 को जश्न के साथ लागू हुआ था, उसके पूर्व जो वैट बचा हुआ था प्रदेश का, वो वैट धीरे धीरे शासन को जमा करते गया व्यापारी वर्ग। और जब कोरोना काल आया तो कोरोना काल में या तो उनके अकाउंट्स डिपार्टमेंट के कोई काल कल्पित हो गए या किसी के मालिक नहीं रहे, अस्त व्यस्त अकाउंटेंट हो चाहे उनके स्टाफ हो, इसलिए करके जो सारे पेपर थे सब इधर उधर हो गए और मानसिक रूप से भी बीमार हो गए। अब यहाँ के एमएसएमई उद्योग हो चाहे व्यापारी वर्ग हो प्रदेश के, उस जीएसटी के पूर्व जो भी हमारे बैट लगे हुए थे उन पर स्ने इतने ज़्यादा कार्रवाई होती है कि लगता है कि एक गुना हमारा बाकी है। मुख्यमंत्री जी से हमारा अपील है कि आपने फ्री होल्ड जमीन किया, आपने CSIDC के थ्रू परचेजिंग किया यहाँ के एमएसएमई उद्योग के लिए, आपने व्यापारी वर्ग के लिए बहुत सारे टैक्स पर से जीएसटी हटा करके या जैसे जीएसटी में जो भी लगा उसको किसी भी तरह से आपने राहत दिया, और ऐसे कितने चीज है स्टाम्प शुल्क में छूट दिया, और यहाँ के व्यापार के लिए आपने हर हमेशा व्यापारियों को, उद्योग को हर हमेशा मनोबल बढ़ाया। यहाँ तक कि कोरोना काल में जब सिलेंडर नहीं मिल रहा था, पूरे प्रदेश के उद्योग बंद हो चुके थे, उस समय भी आप सिलेंडर के लिए लड़ाई की, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, और हमको दिलाया। आज हमारा आपसे आग्रह है, हमारे एमएसएमई उद्योग तरफ से, व्यापारियों की तरफ से, छत्तीसगढ़ लघु सहायक उद्योग संघ के तरफ से पूर्व मदद किया, उसी तरह से जो जीएसटी के पूर्व जो भी वैट लगा हुआ है उसे एक टोकन अमाउंट लेकर के समाप्त किया जाए, क्योंकि अभी सामने में दिवाली है, दशहरा है, जीएसटी के अधिकारी सबके खाते सील करेंगे। किसी न किसी तरह से आप समझ रहे हैं कि हमें भय होगा। आप हर हमेशा बोलते हैं कि भय मुक्त वातावरण में व्यापार करिए, तो पुनः आपसे आग्रह है, भय मुक्त व्यापार के लिए आप जीएसटी के पूर्व जो भी वैट है इसका एक निराकरण करवाइए, कुछ टोकन अमाउंट लेकर के इसे समाप्त करवाइए, या यहाँ पर कैंप लगवा करके इसे समाप्त करवाइए, और एक घोषणा आपके तरफ से कुछ हो जाए कि व्यापारी को राहत मिले। इसके लिए कम से कम अभी दिवाली दशहरा में किसी भी तरह के किसी के खाते को सील ना किया जाए, उसके पूर्व यदि हो जाता है बहुत अच्छा, नहीं तो उसके बाद में आप एक बार और व्यापारी और उद्योग पूरे प्रदेश के जितने भी इससे प्रभावित है उन्हें मुक्त करवाइए। धन्यवाद। के झा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से अपील की है कि वेट का जो भी पुराना मामला है इसे समाप्त किया जाए,
जिस तरह मुख्यमंत्री ने फ्री होल्ड जमीन के मामले में निर्णय लिया, उसी तरह इसमें भी कुछ टोकन अमाउंट लेकर इसे समाप्त किया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।